नमस्कार दोस्तों, आरजी स्टूडियो चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। मेरा नाम राहुल है, मैं एक अध्यापक हूँ। दोस्तों, इस वीडियो में मैं आपको भारतीय रेलवे में जो ALP और टेक्नीशियन की पोस्ट निकली हैं उसके बारे में बताऊंगा। दोस्तों, कई कैंडिडेट्स को समय से फॉर्म की जानकारी नहीं हो पाती है, जिसकी वजह से उनके फॉर्म भरने से वो चूक जाते हैं। तो कृपया आप मेरे वीडियो को अपने फ्रेंड्स, फैमिली मेम्बर्स और रिलेटिव्स के साथ अवश्य ही शेयर कीजिएगा, ताकि सभी लोगों को फॉर्म की समय पर जानकारी हो जाए और जो कैंडिडेट्स फॉर्म रेलवे का फॉर्म भरना चाहते हैं वो समय से रेलवे का फॉर्म भर लें। दोस्तों, कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना का कोई भी चार्ज नहीं है, बिल्कुल फ्री है। और मेरे वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट करना नहीं भूलिएगा। भारतीय रेलवे में ALP और टेक्नीशियन के कुल 26,502 पद निकले हैं। इसके लिए अंतिम तिथि 5 मार्च 2018 है। शैक्षिक योग्यता रिक्रूटमेंट बोर्ड द्वारा निर्धारित योग्यताएं हैं। आयु सीमा न्यूनतम 18 वर्ष और अधिकतम 28 वर्ष है। पदों का विवरण, असिस्टेंट लोको पायलट ALP के लिए 17,673 पद हैं और टेक्नीशियन के 8,829 पद हैं। इसके लिए वेबसाइट है www.indianrailways.gov.in। तो आप इस वेबसाइट पर जाएगा तो आपको इन पदों के बारे में पूरी जानकारी प्राप्त हो जाएगी और इसमें ऑनलाइन फॉर्म भर सकते हैं। मैं यहाँ पे वेबसाइट ओपन करके आपको दिखा देता हूँ। रिक्रूटमेंट फॉर द पोस्ट ऑफ असिस्टेंट लोको पायलट ALP एंड टेक्नीशियन कैटेगरीज, यहाँ पे ये वेबसाइट है। सेंट्रलाइज्ड एम्प्लॉयमेंट नोटिस नंबर 1/2018, रिक्रूटमेंट ऑफ असिस्टेंट लोको पायलट ALP एंड टेक्नीशियंस, डेट ऑफ पब्लिकेशन 3/2/2018, डेट एंड टाइम ऑफ क्लोजिंग 5/3/2018 अप टू 23:59 आवर्स। तो ये 5 मार्च तक भर सकते हैं। इसमें जो फर्स्ट स्टेज कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट है CBT, टेंटेबली शेड्यूल ड्यूरिंग अप्रैल एंड मई 2018, ये अप्रैल या मई 2018 में हो सकता है। डेट्स फॉर अदर स्टेजेस ऑफ रिक्रूटमेंट प्रोसेस शैल बी इंटीमेटेड थ्रू RRB वेबसाइट। जो अदर स्टेज है इसके बारे में RRB वेबसाइट के द्वारा जानकारी प्राप्त होगी। ऑनलाइन एप्लीकेशन आर इन्वाइटेड फ्रॉम एलिजिबल कैंडिडेट्स फॉर द पोस्ट ऑफ असिस्टेंट लोको पायलट एंड टेक्नीशियन। एप्लीकेशंस कंप्लीट इन ऑल रेस्पेक्ट शुड बी सबमिटेड ऑनलाइन ओनली बिफोर 23:59 आवर्स ऑफ 5/3/2018। ये 5/3/2018 से पहले फॉर्म भरने हैं। इसमें मैं आपको कुछ ज़रूरी जानकारी बता देता हूँ। यहाँ पे जो एलिजिबिलिटी है इसके बारे में मैं आपको नीचे जानकारी बताऊंगा। यहाँ पे स्केल ऑफ पे है Level 2 of 7 CPC पे मैट्रिक्स विद इनिशियल पे ऑफ 19,900, इनिशियल 19,900 प्लस अदर अलाउंसेज एज एडमिसिबल। एज है एज ऑन 1/7/2018, 1/7/2018 को 18 से 28 ईयर्स तक होनी चाहिए। यहाँ पे एज रिलैक्सेशन भी है। स्टेजेस ऑफ एग्ज़ाम, देयर शैल बी 2 स्टेजेस एग्जामिनेशन, 2 स्टेज एग्ज़ाम होंगे, फर्स्ट स्टेज CBT एंड सेकंड स्टेज CBT, कॉमन फॉर ALP एंड टेक्नीशियन। जो दोनों ALP और टेक्नीशियन दोनों के लिए 2 स्टेज के एग्ज़ाम होंगे। इन एडिशन कैंडिडेट्स हु हैव ऑप्टेड फॉर ALP एंड क्वालिफाइड इन सेकेंड स्टेज CBT हैव टू अंडरगो कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट AT। मार्क्स विल बी नॉर्मलाइज इन ऑल द स्टेजेज ऑफ एग्जाम। सेलेक्शन ऑफ RRB एंड प्रेफरेंस ऑफ पोस्ट, कैंडिडेट में प्लीज नोट दैट RRB वाइज रेलवे वाइज वैकेंसीज इंडिकेटेड इन दिस CEN आर प्रोविजनल एंड देयर एंड दीज मे इंक्रीज और डिक्रीज एज पर द रिक्वायरमेंट ऑफ रेलवे एडवर्टाइजमेंट। यहाँ पे मैं नेगेटिव मार्किंग के बारे में बता देता हूँ आपको। देयर शैल बी नेगेटिव मार्किंग फॉर इनकरेक्ट आंसर
इन फर्स्ट एंड सेकेंड स्टेज सीबीटी, फर्स्ट और सेकेंड स्टेज सीबीटी में नेगेटिव मार्किंग होगी 1/3 ऑफ द मार्क्स अलॉटेड फॉर ईच क्वेश्चन शैल बी डिडक्टेड फॉर ईच रॉन्ग आंसर, 1/3 मार्क्स जो होगा वो डिडक्ट हो जाएगा। देयर शैल बी नो नेगेटिव मार्किंग फॉर कंप्यूटर बेस्ड एप्टीट्यूड टेस्ट, जो कंप्यूटर बेस्ड एप्टीट्यूड टेस्ट होगा उसमें कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं होगी। जब आप वेबसाइट को खोलेंगे तो आपको इसमें डिटेल इंफॉर्मेशन प्राप्त हो जाएगी। यहाँ पे वैकेंसीज की जानकारी है, आरआरबी वाइज रेलवे वाइज समरी ऑफ वैकेंसीज, असिस्टेंट लोको पायलट और टेक्नीशियंस की जो वैकेंसी है इसके बारे में जानकारी है। अलग अलग रेलवे बोर्ड के लिए अलग अलग वैकेंसीज हैं। मेडिकल स्टैंडर्ड फॉर द पोस्ट इसके बारे में जानकारी है। यहाँ पे नेशनैलिटी सिटीजन के बारे में जानकारी है। एज लिमिट 18 to 28 ईयर्स होनी चाहिए। SC ST के लिए 5 ईयर्स की रिलैक्सेशन, OBC नॉन क्रीम लेयर के लिए 3 ईयर्स का रिलैक्सेशन है और एक्स सर्विसमैन के लिए भी रिलैक्सेशन है। पर्सन विद डिसेबिलिटीज के लिए 10 ईयर्स का रिलैक्सेशन है। तो इस वेबसाइट को आप ओपन करके एज रिलैक्सेशन की पूरी जानकारी ले सकते हैं। एजुकेशन क्वालिफिकेशन के बारे में मैं आपको बता देता हूँ। इसमें जो एजुकेशनल क्वालिफिकेशन है, कैंडिडेट्स शुड हैव द एजुकेशनल टेक्निकल क्वालिफिकेशन इंडिकेटेड फॉर नोटिफाइड पोस्ट इन द CEN फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूट यूनिवर्सिटी एज ऑन क्लोजिंग डेट फॉर सबमिशन ऑफ द ऑनलाइन एप्लीकेशन। एनेक्सर ए मे बी रिफर्ड फॉर द प्रिस्क्राइब्ड क्वालिफिकेशन अगेंस्ट ईच ऑफ द पोस्ट। दोज अवेटिंग रिजल्ट फॉर द फाइनल एग्जामिनेशन ऑफ द प्रिस्क्राइब्ड एजुकेशनल टेक्निकल क्वालिफिकेशन शुड नॉट अप्लाई। जो फाइनल रिजल्ट की वेट कर रहे हैं उन्हें अप्लाई नहीं करना है। डिप्लोमा डिग्री इन इंजीनियरिंग विल नॉट बी एक्सेप्टेड इन लियू ऑफ कोर्स कंप्लीटेड एक्ट अप्रेंटिसशिप ITI फॉर द पोस्ट ऑफ टेक्नीशियन अनलेस अदरवाइज स्पेसिफाइड। ग्रेजुएट एक्ट अप्रेंटिस विल नॉट बी एक्सेप्टेड इन लियू ऑफ कोर्स कंप्लीटेड एक्ट अप्रेंटिसिस। एग्जामिनेशन फीस जो है जनरल कैटेगरी के लिए 500 और SC ST और एक्स सर्विसमैन PWD फीमेल ट्रांसजेंडर माइनॉरिटीज इकोनॉमिक बैकग्राउंड के लिए 250 है। मोड्स ऑफ पेमेंट ऑफ फी यहाँ पे इसके बारे में जानकारी दे रखी है। रिजर्वेशन के बारे में जानकारी है। यहाँ पे जो सिलेबस है उसके बारे में मैं आपको बता देता हूँ। फर्स्ट स्टेज CBT कॉमन फॉर ALP टेक्नीशियन, जो फर्स्ट स्टेज का पेपर होगा CBT उसमें जो कॉमन होगा वो ALP और टेक्नीशियन के लिए कॉमन होगा। ड्यूरेशन 60 मिनट की होगी और क्वेश्चन इसमें 75 आएंगे। मिनिमम परसेंटेज फॉर मार्क्स ऑफ एलिजिबिलिटी इन वेरियस कैटेगरीज, अनरिजर्व के लिए 40%, OBC के लिए 30%, SC के लिए 30%, ST के लिए 25%। द फर्स्ट स्टेज CBT इज ऑफ स्क्रीनिंग नेचर एंड द स्टैंडर्ड ऑफ क्वेश्चन फॉर द CBT विल बी जनरली इन कन्फॉर्मिटी विद द एजुकेशनल स्टैंडर्ड एंड और मिनिमम टेक्निकल क्वालिफिकेशन प्रिस्क्राइब्ड फॉर द पोस्ट। इसमें मैं आपको सिलेबस बता देता हूँ। इसमें मैथ में मैथ का पेपर होगा, जनरल इंटेलिजेंसी एंड रीजनिंग, जनरल साइंस, जनरल अवेयरनेस ऑन करंट अफेयर्स। जो सेकेंड स्टेज CBT होगी उसमें मैं आपको जानकारी बता देता हूँ। शॉर्ट लिस्टिंग ऑफ कैंडिडेट फॉर द सेकेंड स्टेज CBT एग्जाम शैल बी बेस्ड ऑन द नॉर्मलाइज्ड मार्क्स ऑब्टेंड बाय देम इन द फर्स्ट स्टेज CBT एग्जाम। जो सेकेंड स्टेज CBT होगा ये 2 hours 30 minutes का है। इसमें पार्ट ए में ड्यूरेशन 90 minutes है, नंबर ऑफ क्वेश्चन 100 है। इसमें मैथ्स के क्वेश्चन हैं, जनरल इंटेलिजेंसी एंड रीजनिंग, बेसिक साइंस एंड इंजीनियरिंग, जनरल अवेयरनेस ऑन करंट अफेयर्स। पार्ट बी में 60 minutes का पेपर होगा, नंबर ऑफ क्वेश्चन 75, क्वालिफाइंग मार्क्स 35%।
दिस इज़ एप्लीकेबल फॉर ऑल कैंडिडेट्स एंड नो रिलैक्सेशन इज़ परमिसिबल। दोस्तों मैं इसमें जो सिलेबस है इसके लिए एक अलग से वीडियो बनाऊंगा ताकि मैं आपको उसके बारे में पूरी जानकारी दे पाऊँ सिलेबस के बारे में। यहाँ पे सेंट्रलाइज्ड एम्प्लॉयमेंट नोटिस, यहाँ पे जो एलिजिबिलिटी क्वालिफिकेशन है उसके बारे में जानकारी है, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग एंड कॉम्बिनेशन ऑफ वेरियस स्ट्रीम्स ऑफ इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, इसमें जो 10+2 वाले हैं ये भी भर सकते हैं, HSC 10+2 फिजिक्स एंड मैथ्स होने चाहिए, कंप्यूटर बेस्ड एप्टीट्यूड टेस्ट ओनली फॉर कैंडिडेट्स हु हैव ऑप्टेड फॉर ALP। तो आप इस वेबसाइट को ओपन करके पूरी जानकारी ले सकते हैं, यहाँ पे फॉर्म कैसे भरना है इसके बारे में जानकारी है। तो दोस्तों अगर आप ये रेलवे का फॉर्म भरना चाहते हैं तो आप जल्दी से अप्लाई कर दीजिए और मैं अपने चैनल के माध्यम से आपको जनरल अवेयरनेस जो कि सभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में क्वेश्चन आते हैं उसके बारे में जानकारी देता हूं। अगर आप रेलवे की तैयारी कर रहे हैं तो आप मेरे चैनल को अवश्य ही सब्सक्राइब कर लीजिए और मैं इसमें GK के रिलेटेड वीडियोज़ अपलोड करता हूँ और इंग्लिश कन्वर्सेशन और इंग्लिश स्पीकिंग के लिए भी वीडियोज मैं अपने चैनल पे वेबसाइट चैनल पे अपलोड करता हूँ। तो दोस्तों अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन कर लीजिए ताकि आपको मेरे अगले वीडियो का नोटिफिकेशन मिल सके और मेरे वीडियो को लाइक शेयर और कमेंट करना नहीं भूलिएगा। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।